चेकआउट कर दिया है, बस जा रहे हैं। पैर से कुछ चला नहीं जा रहा है, इतनी हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। पैर में बिल्कुल छाले आ गए। और सच में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा प्यार ढेर सारा सपोर्ट करो और बस ब्लॉग को एंजॉय करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ वही खा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रूम से चेकआउट कर दिए थे और यहाँ पर भाभी के लिए चूड़ी बिंदी और सिंदूर, जो कि कहा जाता है ना कि कोई भी धाम जाओ आप तो वहाँ से ये जो भी सुहाग का सामान होता है उसे लेना चाहिए। तो वहाँ से मैं अपने लिए, भाभी के लिए और आसपास में आंटी और भाभी रहती हैं उनके लिए भी मुझे लेना है। तो मैं सबके लिए यहाँ से ले रही थी चूड़ी बिंदी और सिंदूर और प्रसाद भी, क्योंकि रात में जब हम उतर गए थे, नीचे उतर गए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा थक गए थे तो प्रसाद नहीं लिया था। और जो प्रसाद हम लोगों ने चढ़ाया है वो भी भाभी के घर पहुँचाएँगे हम लोग। सो बस यहाँ पर सारी शॉपिंग कर रहे थे और उसके बाद अब हम थोड़ी देर में यहाँ से फिर निकलेंगे। ये तीन पैकेट दे दो। ये खुली कैसे दे रहे हैं? हाँ ये ऐसे वाला ले लेना विकास, सुनो, जिसमें ये एप्पल वाला भी होता है। ये खुले वाले कैसे दे रहे हैं? भैया खुले वाले कैसे दे रहे हैं? ये 50 वाले हो गए आपका, बहुत पाव वाले हो गए सर। 50 रुपये सुने उनको नहीं, मैं रूम में नहीं। तो सारा कुछ ले लिया, प्रसाद ले लिया और धाम से कहते हैं ना कि सिंदूर चूड़ी और बिंदी लेना जरूरी होता है, तो वो भी ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं। रात में ही लेना था लेकिन रात में इतनी हालत पंचर हो गई थी हमारी कि रात में तो भाई 1:30 बज गए थे। उसके बाद कैसी हालत हो रही है? बिल्कुल आते हुए जितने एक्साइटेड थे जाते हुए बस उतना ही दुखी नहीं है। कहने का मतलब कि बच्चों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा हमारी चढ़ाई उतराई की जो हालत हुई है बहुत ज्यादा।
जाते हैं, जितना हाँ हाँ कर रहे थे जाते हैं। हम आगे बढ़ गए क्या? लगता है आगे बढ़ गए। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आगे बढ़ गए हैं। हाँ पक्का, हाँ हाँ ये पेड़ पौधे नहीं थे, हाँ बहुत आगे आ गए। तो हम अपना होटल का रास्ता ही भूल गए। ये तो है ना, यही है ना, ये नहीं अपने दिन में। तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? पठानकोट। जगह का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि बर्गर किंग है यहाँ पे। ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह है, चाय वगैरह पीने के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं। थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि लंबा रास्ता में थोड़ा बीच बीच में रुकते हुए सही रहता है ना। बहुत थकावट हो गई, पैर से तो बिल्कुल मुझसे हिला ही नहीं जा रहा है। चल ऐसे रही हूँ जैसे, क्या मैं बताऊँ क्या हो गया मेरे पैरों को। प्रीशा हेलो, करके अब निकल रहे हैं घर की ओर। पता नहीं अभी कुछ सीन नहीं बन रहा, हो सकता तो आज रात स्टे करना पड़े और फिर उसके बाद निकलो। जैशी को देखो किधर गया है, देखो वहाँ पे। ये देखो कह रहा है पागल है, पागल हो, हम पागल हैं कि मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ। अभी लड़की थी, लड़की छोटा बेबी बताओ क्या खाना खाओगे? क्या खाना खाओगे बताओ जशी, जल्दी बताओ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर और यार सच में बहुत हालत खराब हो गई, लेकिन माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ज्यादा अच्छे हुए। और बस बहुत अच्छा लगा घूम के,
और भाई साहब पता है जिस समय हम लोग चढ़ाई कर रहे थे ना उस समय बिल्कुल ठंड नहीं थी, मतलब आप समझ लो कि ऐसा कंडीशन था कि मतलब हम लोग जो गर्म सूट पहन करके गए थे ना तो उसमें ऐसी गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि गर्म सूट के जगह अगर कॉटन वाले सूट पहन करके जाते तो ज्यादा सही रहता। लेकिन फिर उसके बाद शाम से जो ठंड लगनी स्टार्ट हुई और इतनी सन 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 हवाएं चल रही थी, तब फिर जैकेट वुलन वाला कैप और सारी चीजें हम पहन करके फिर चढ़ाई करने लगे। हमें चढ़ाई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि एक तो हम पहली बार ऐसी मतलब ऊपर वाली जगह पर चढ़ रहे थे जहाँ पे इतनी ऊंची चढ़ाई करनी हो, मेरा पहला ट्रिप था और सच में हालत तो खराब हो गई है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि हालत नहीं खराब हुई है, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। हम लोग घर वापस भी आ गए हैं, बस मैं अपने किचन में लग गई हूँ। किचन में एक तरफ पानी चढ़ाया है जो कि प्रेशर को नहलाना है और एक तरफ मैंने दाल रख लिया है, वो सारी चीजें करके अब इसको भी फटाफट पहले नहलाऊंगी, एक तरफ चाय भी बैठा देती हूँ, नहला करके इसको पहले क्लीन करूंगी प्रेशर को क्योंकि ये ठीक से नहाई भी नहीं है ना, तो ये छिछी महक रही है, छिछी इसने भी खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। चलो गाइस अब मैं जा रही हूँ, पहले इसको नहला देती हूँ फिर आप चलोगे। सुनो सुनो सुनो, चलो चलो मार्केट चलेंगे। हाँ मार्केट मार्केट, हाँ मोबाइल दे रहा हूँ पापा को, बोलो तो पापा बोलो, पापा बोलो कहाँ है। नहीं 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 वो नहीं निकालना, वो नहीं निकालना। कहाँ है आप? पापा को बुला, पापा बुला, आजा 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 आजा। सो गाइस अब हम जा रहे हैं भाभी के घर प्रसाद देने के लिए और बस नहा वहा करके मैं लेट गई थी, बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ काम करूं क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, छाले पड़ गए हैं थोड़े से। तो बस अब शाम हुई है तो अब प्रसाद सबको दे दिया जाए क्योंकि फिर उसके बाद कल से ऑफिस है इनका तो टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा मुझे, और थोड़ा मार्केट भी घूम लिया जाएगा। एक गाड़ी बुक कर ली थी हमने, उसने हमें होटल भी छोड़ा था, स्टेशन भी छोड़ा था, वहाँ पे भी छोड़ा था। भाभी के साथ खूब खेलती है। अभी हम लोग गए थे मनसा देवी तो साइड में फोटो नहीं खिंचवाते जहाँ पे चढ़ गए, वहाँ दो बंदे रिक्ति को हाथ में सामान पकड़ा है, भैया मेरा फोटो खींच देना, सामान लेके खड़ा है, फोटो खींचा, फोन वापस दिया, सामान लेके चल गए। ले उसे पता ही नहीं हाथ में कुछ लेके भगया, कह रहा ये क्या है, तुझे पता हो क्या है किसी का प्रसाद चूड़ी पिंग, मैं ले चल छोड़ गया वापिस ऊपर देख के प्रसाद तो अपना फोन ले लिया था, दे दिया था। उनका ही फोन लेके उनकी फोटो खींच के फोन दे दिया प्रसाद लड़ती है कर दिया क्या? कर दिया का डाइस। अरे किरण से पूछ रहा है भाई, प्रसाद खराब हो जाएगा? नहीं नहीं मतलब अगर रखा जाए तो खराब नहीं होगा।